हेलो एवरीवन, आज आप लोग के सामने फिर एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बेसिक नेटवर्किंग टूल के बारे में है। और टॉप 10 कुछ टूल्स के बारे में बात करूँगा कि जो नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं और जूनियर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग में बात होते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो जितने भी नेटवर्किंग टूल है वो आपके साथ अभी शेयर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉप 10 बेसिक नेटवर्किंग ट्रबल सॉर्टिंग में जो आता है, जो ट्रबल सॉर्टिंग हम लोग किसे कहते हैं, जितने भी प्रकार के नेटवर्क में आप लोग को पता है कि प्रॉब्लम्स होती है, उस चीज़ को कौन ठीक करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ट्रबल सॉर्ट करने के लिए हमें पहले जाननी पड़ती है कि नेटवर्किंग टूल कौन कौन से हैं जिनके थ्रू ये नेटवर्किंग जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग रेक्टिफाई कर सकें, और रेक्टिफाई करने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग ठीक भी कर सकें। इसी टाइम अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि टूल्स आते हैं जो टूल्स हमें ये दिखाते हैं कि जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे तो उसमें कौन कौन सी टूल्स ऐसी हैं जो परफेक्ट उसके साथ बैठती है, उस प्रॉब्लम के साथ, और वो सारे क्या होते हैं, वो इस प्रॉब्लम इशू को ट्रबल सॉर्ट करने में हमें ठीक करते हैं। यहाँ पर आप वही चीज़ लिखा हुआ है, बस मैं आपको इन शॉर्ट और आपको जो आप जिससे जल्दी आप समझ पाएँ इसी इजी लैंग्वेज में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक कुछ कुछ टूल्स होते हैं, नेटवर्किंग टूल्स जो कि यूज़ होते हैं। अब वो टूल्स अगर यूज़ करेंगे तभी जाके वो नेटवर्किंग प्रॉब्लम ट्रबल शॉट होते हैं, अदरवाइज वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 10वां नंबर में है वो है पिंग। पिंग आप लोगों ने सुना होगा, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है नेटवर्क में। पिंग इसलिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को एक साथ बार बार अगर हम लोग कोई कहीं पर अगर मैसेज या फिर पैकेट हम लोग सेंड करते हैं तो फिर हम लोग पिंग का यूज़ करते हैं। जैसे पिंग लिखने के बाद अगर कोई भी अगर मान लेते हैं कि गूगल को अगर डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब डॉट गूगल डॉट को डॉट इन अगर लिखते हैं और इंटर करते हैं, अगर आप कमांड या कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर टर्मिनल में, तो आप देखिएगा वो बार बार वो उनको पैकेट सेंड करता है। तो उसमें आपको दिखेगा कि इतने सारे पैकेट सेंड हुए, इतने सारे पैकेट रिसीव हुए, वो सारे चीज़ इसमें आपको दिखते हैं। तो पिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को टेस्ट करता है कि आपका जो कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, वो वहाँ से आपको पता चल जाती है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है ICMP, ये क्या करता है, इसके पास जितने भी इको पैकेट होता है, ये सारे यहाँ एक मैकेनिज्म है जहाँ पर ये दिखाती है कि आपका होस्ट जो है उसके पास आपका जितने भी पैकेट से वो पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी शो होती है पिंग के थ्रू। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है, जैसे पिंग करके यहाँ पर ये एड्रेस है, इस जगह पे आप गूगल का भी आप एड्रेस डाल सकते हैं या फिर ये भी आप डाल सकते हैं, ये करके आप देख सकते हैं। जब पिंग करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, पैकेट को सेंड करता है और अपने टाइम को मेज़र करता है, कितने टाइम उसमें लगा, कितना टाइम डिले हुआ। ये सारे चीज़ देखने के बाद एक पिंग क्या करता है, एक स्टैटिस्टिक देता है कि आपका सारे पैकेट वो सेंड हुआ, कितना वो रिसीव किया, कितना आपका पैकेट लॉस हुआ, या फिर जो भी आपने मैसेज हुआ वो कितने टाइम में पहुंचा, कितने नहीं हुआ, कितना एवरेज टाइम उसमें लगा, ये सारा चीज़ पिंग के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो टूल है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं ट्रैक रेट या फिर ट्रैक रूट इसको बोलते हैं। ये जो है ये आपकी पिंग का जितने भी यूजेस हैं वो सारे इनहेरिट करके साथ में ये भी काम करते हैं कि ये दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक होता है, इन्फॉर्मेशन को ये ला सकते हैं अपने जिस डेस्टिनेशन का मुझे स्पेसिफिक जानकारी हमें अगर चाहिए होता है, तो ट्रैक रेट या फिर ट्रैक रूट जो होता है ये दोनों हमें मतलब प्रॉपरली ला के देते हैं। बेसिकली ट्रैक रेट और ट्रैक रूट जो होता है ये दो जगह में यूज़ होता है। ट्रैकेट जो होता है ये विंडोज़ मशीन्स में ये यूज़ होता है, और ट्रैक रूट जो होता है ये लिनक्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर ये यूज़ होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पर आप ये जो है आप ये गूगल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे ये काम करती है। ये बेसिकली काम जो करती है, पहला अगर विंडोज़ मशीन में अगर हमें यूज़ करना है तो ट्रैकेट अगर यूज़ करेंगे, उसके बाद उस एड्रेस को देंगे, जैसे गूगल www.google.co.in लिखेंगे, या फिर अगर लिनक्स में अगर वो चीज़ देख रहे हैं तो फिर ट्रैक रूट लिखने के बाद वो आईपी एड्रेस या फिर वो वेब एड्रेस आपको देनी है, देन उसके बाद आपको एंटर करनी है।
नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रैक रूट, जो कि यहाँ पर ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया हुआ है, जो कि यहाँ पर मैंने किया है। जो देखिए यहाँ पर जो गूगल का एड्रेस दिया हुआ है, ये देने के बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन उसका दे रहा है। पहला वो कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम नहीं दिया, ये देखिए पैकेट्स कितने सेंड हुए, कितने मिली सेकेंड लगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जितने भी नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन शॉर्ट आपको इस आपको टूल के थ्रू आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि ट्रैक रूट क्या होता है, ट्रैक रेट क्या होता है, और ये कहाँ यूज़ होती है और इसे कैसे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर में आती है आपकी आई कॉन्फिग या फिर आई इफ कॉन्फिग। आई इफ आई पी कॉन्फिग जो होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फिग, और इफ कॉन्फिग जो होता है ये भी नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली आईपी जो कॉन्फिग होता है, ये बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, वो कॉन्फ़िगरेशन को आपको होस्ट को वो आपको उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को आपके सामने लाके दिखाता है कि उसका होस्ट आईडी क्या है, उसका नेस्ट आईडी क्या है, उसमें आपके आईपी क्या, उसके आईपी एड्रेस क्या है। ये सारे चीज़ें क्या होता है आईपी कॉन्फ़िग के थ्रू आप देख सकते हैं, और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस सिस्टम की, सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसके थ्रू जान सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बिलो सो द एग्जाम्पल ऑफ आईपी कॉन्फ़िग यूटिलिटी, सो द आईपी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन क्वेरी होस्ट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िग के थ्रू सारा कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और आई इफ कॉन्फ़िग जो होता है, ये यूज़ कहाँ होता है, ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी मशीन उसमें लगी हुई है, उसका कौन कौन सी एड्रेसेस वहाँ पर दी हुई है, ये सारा चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर इफ कॉन्फिग में आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी हेडर है दिए हुए, वहाँ पर जो उनके आईपी एड्रेस है वो सारे यहाँ पर देख सकते हैं, वो हेडर एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट जितने भी इनके एड्रेस है ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई इफ कॉन्फिग जो है, ये सारे आपके जो मास्क है, सब मास्क है, ये जितने भी एड्रेसेस होते हैं, ये सारे चीज़ को, ये सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन इसके थ्रू देती है। आप यहाँ पर बस आपको इफ कॉन्फिग आपको लिख के इंटर मारनी है, जब आप इंटर मारेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। तो ये भी एक टूल है जो कि हम लोग नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, एनएस लुकअप। एनएस लुकअप क्या है, ये एक ऐसी टूल है जो कि कोई भी नेटवर्क इशू जब अगर होता है या फिर कनेक्ट अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो भाई हम लोग हम लोग उस कंप्यूटर में नहीं बैठते हैं और हम लोग वहाँ से चले जाते हैं, हम लोग देखते भी नहीं है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, और उस अगर वो रिजॉल्व होता है या नहीं होता है वो भी हम लोग नहीं देखते हैं। तो बेसिकली जो मतलब नेटवर्किंग इशू होता है वो डायनामिक नेम सिस्टम, जिसको डीएनएस एड्रेस में अगर कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग जो अननोन आईपी एड्रेस है अगर उसमें अगर नहीं जा रही है या फिर वो काम नहीं कर रही, तो हम लोग कैसे उसे जान सकते हैं, तो हम लोग एनएस लुकअप के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर उसे रिजॉल्व उसी टाइम अगर कर सकते हैं तो उसी में हम लोग रिजॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलो इसका एग्जाम्पल भी हमने दिया है कि कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। देखिए एनएस लुकअप लिखने के बाद हम लोग www.google.com लिखें, तो यहाँ पर आप अगर एनएस लुकअप लिखते हैं और उसके बाद गूगल का एड्रेस लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर उसके सर्वर की आईडी दिखा रही है और वहाँ पर उसके एड्रेस दिखा रही है। अगर नॉन ऑथेंटिकेट अगर अगर आंसर आया तो यहाँ पर आपको सारा उसकी डिटेल्स आएगी कि एड्रेस और उसका नेम, ये बार बार दिखाते जाएगा। अगर ये चीज़ तब तक भेजेगा जब तक कि ये ठीक ना हो जाए, तो आप समझ रहे हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेटसेट। नेटसेट क्या होता है, ये एक ऐसा टूल है जो कि हम लोग को हेल्प करता है जो नेटवर्क कनेक्शन और होस्ट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती है, जहाँ पर वैरायटी ऑफ जितने भी कुछ अगर रीज़न है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वो हम लोग को देती है। जैसे कि वेरीफाई करने के लिए देती है कि उसकी पोर्ट कौन सी है, उसकी होस्ट आईडी क्या है ये, और अगर रिमोट होस्ट है तो उसका स्पेसिफिक पोर्ट आईडी ये हमें बताती है। तो यहाँ पर हम लोग नेट सेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी पोर्ट आईडी ये सारी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये लिनक्स मशीन के लिए भी हम लोग सेम ही यूज़ करते हैं, यहाँ पर नेट सेट लिखते हैं और वो विंडोज़ में भी हम लोग उसी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेट सेट कैसे यूज़ करेंगे। जैसे नेट सेट माइनस ऑफ एल टी, माइनस ऑफ एल टी हो गया आपका, ये कमांड होगी, ये पूरी कमांड
तो इससे क्या होगा, लिस्ट ऑफ जितने भी आपका SSH है, POP है, POP3 है, या फिर लोकल होस्ट है, इससे क्या होता है कि अगर कहीं पर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उससे क्या किया जाता है कि उन्हें बोला जाता है आपके जितने भी, अगर वो कोई भी अगर ऐसा फाइल है जो एक्टिव नहीं है तो उसे लिसन करवाया जाता है। लिसन का मतलब होता है कि आपका कोई फाइल अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसे सुनने के लिए, लिसन का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पर आपके जो फाइल काम नहीं कर रहे हैं उसको काम करवाने के लिए लिसन करवाया जाता है। तो वो किसके थ्रू करवा सकते हैं, तो हम लोग नेट सेट माइनस ऑफ LT के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पुट्टी एंड टेरा टर्म। तो ये क्या है, ये एक कनेक्टिंग और वेरीफाई करने के लिए एक इक्विपमेंट है जो कि टेलनेट SSH, जो सीरियल क्लाइंट है, जो कि जितने भी आपके लिनक्स का जितने भी आपका टर्मिनल है या फिर कोई है, वहाँ पर टेलनेट यूज़ होता है और SSH यूज़ होता है। SSH का मतलब सिक्योर फाइल होता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर होस्ट में कनेक्ट कर सकते हैं वाया SSH के थ्रू। तो यहाँ पर देखेंगे आगे चल के, देखिए यहाँ पर पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना होस्ट नेम या फिर IP एड्रेस देनी होती है। पोर्ट ID ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। SSH के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वाया पास करते हैं। तो यहाँ पर इसके डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं सेटिंग्स को, और इसके बाद क्या करेंगे, ओनली ऑन ए क्लीन एग्जिट। यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, देन हम लोग ओपन करेंगे, देन इसको सेव करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, सबनेट और IP कैलकुलेटर। सबनेट और IP कैलकुलेटर तो आप लोग ने सुना होगा, नेटवर्किंग में ये चीज़ आती है। और जो जूनियर इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस है या फिर IP एड्रेस है, उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि कोई भी और जितने भी अनसिक्योर IP एड्रेस है उसको पहले चेक करते हैं कि अगर वो IP एड्रेस है वो सही है या नहीं है। तो वो क्या, कौन चेक करते हैं, किसके थ्रू चेक करते हैं, सबनेट और IP कैलकुलेटर के थ्रू चेक करते हैं। जितने भी नेटवर्क इंजीनियर होते हैं उसे अपने सीनियर लेवल पे उसे चेक करते हैं। देन उसे क्या करते हैं, उसे अपने सिंपल जो कैलकुलेटर होता है, जो IP कैलकुलेटर, उसके थ्रू वो लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर देखते हैं अगर वो सही है, तब वो चीज़ HTTP के थ्रू वहाँ पर एक आपको होस्ट ID या फिर होस्ट नेम दिया जाता है, जिससे कि आप लोग वो जो आपकी IP एड्रेस है जिसके थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे आपकी गूगल हो गया, इसका भी एक IP एड्रेस होगी, इसका IP एड्रेस के बाद इसका होस्ट नेम दिया गया होगा, वैसे ही हर एक जो IP एड्रेस है उसके एक नेम दिया जाता है। तो उससे पहले क्या होता है, उसकी IP एड्रेस को चेक किया जाता है। तो वो चेक कौन करता है, वो नेटवर्क इंजीनियर चेक करते हैं, किसके थ्रू, IP कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो IP कैलकुलेटर होता कैसा है। IP कैलकुलेटर ऐसे दिखने में होता है, जहाँ पर कोई भी एड्रेस को यहाँ पर डालने के बाद हम लोग चेक करते हैं, जिसके सबनेट मास्क यहाँ पर चेक करेंगे, जहाँ पर सबनेट बिट उसका कितना है, मैक्सिमम सबनेट बिट उसका कितना है, होस्ट बिट कितना है उसका, और मैक्सिमम होस्ट बिट कितना है। यहाँ पर ये चेक करने के बाद देन हम लोग यहाँ पर टोटल सबनेट बिट यूजेस जो है वो यहाँ पर देखेंगे। देन यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं उसका सबनेट ID, होस्ट एड्रेस और सबनेट ब्रॉडकास्ट, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं कि IP कैलकुलेटर क्या होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट तो सारे लोग सुने हैं कि हम लोग के मोबाइल में स्पीड नहीं चल रही है, नेट नहीं चलती है, या फिर कहीं पर भी नेट अगर स्लो हो गई, तो नेट को चेक करने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, स्पीड टेस्ट यूज़ करते हैं या फिर पिंग टेस्ट यूज़ करते हैं। तो पिंग टेस्ट और स्पीड टेस्ट दोनों ही लगभग सेम होती है, जो कि कंप्यूटर की जो नेट है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है या फिर स्लो है, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हम लोग पिंग टेस्ट करते हैं या फिर स्पीड टेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो वॉइस ओवर, जो IP VLP है, वहाँ पर जितने भी गेमिंग्स होती है, जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, वहाँ पर ऑलरेडी पिंग टेस्ट करके ही दिया जाता है। क्योंकि जो भी ऑनलाइन गेमिंग होती है उसमें आपकी ज़्यादा हाई पिंग लो पिंग की ज़रूरत पड़ती है, जितनी हाई पिंग रहेगी आपकी गेम लैग करेगी। तो इसीलिए पिंग यहाँ पर आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इसका बहुत सारी स्पेसिफिक साइट्स भी है, जैसे कि आपका आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट .net बोल के साइट है, जो कि ऑलरेडी आपको
ये पिंग टेस्ट करके आपकी स्पीड को बताती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड डॉट नेट बोल के कोई एक कंपनी है, जो वेबसाइट है, जो यहाँ पर आपकी जो नेटवर्क है उसको टेस्ट करके बताती है कितना उसकी डाउनलोडिंग स्पीड है, कितना उसकी अपलोडिंग स्पीड है, ये सारी चीज़ें आपको बताती है। और यहाँ पर टोटल आपको ऑप्टिमाइज करके आपको रिजल्ट दिखाती है कि कितना उसकी पिंग है। पिंग उसकी देखिए 48 मिली सेकेंड उसके उसका जो मिली सेकेंड में ये अपलिंक और डाउनलिंक इसमें हो रही है। इसका पिंग बहुत ही अच्छा है, जिसमें जितना कम पिंग होता है वो उसका जो सर्वर होता है बहुत अच्छा रहता है उसमें काम करने के लिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पाथ पिंग और मीटर, ये क्या करता है, यहाँ पर एडवांटेज भी है ये और ये बेनिफिट भी है पिंग के लिए। जहाँ पर टैक रेट और ट्रैक रूट कमांड को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो पहला तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं, साथ में डिटेल और सिंगल पिक्चर में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपके कैरेक्टर है वो स्पेसिफिक होस्ट आईडी और स्पेसिफिक लोकेशन के थ्रू वो हमें दिखाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसकी फिगर को देख के हम लोग जानेंगे ये चीज़ क्या है। यहाँ देखिए जो आप देख सकते हैं पाथ पिंग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपकी कमांड हो गई। इसके बाद आप गूगल का यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर पाथ पिंग क्या करता है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में आपको दिखाता है कि वो उसका सबनेट मास्क क्या है, उसका क्या क्या परमिशन उसमें दिया हुआ है, कितना टाइम का है, कौन सी डेट है, वो उसका कैसे वो कनेक्ट कर रहा है, उसका सबनेट दिखा रहा है, उसका आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ये देखिए इसका आईपी एड्रेस है, सारा चीज़ इसका इन्फॉर्मेशन इसमें आपका स्टैटिस्टिक दिखाता है। ये देखिए जैसे स्टैटिस्टिक 375 उसका मिली सेकेंड इसको टाइम लग रहा है जाने में और आने में, इसका पैकेट कितना लॉस्ट हुआ, कितना पैकेट इसमें रिसीव हुआ, एड्रेस क्या है इसका, सारा चीज़ इसमें आपको दिखते हैं। तो आप आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुआ है कि मतलब कैसे ये काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रूट, पहला जो रूट किसे बोलते हैं, रूट एक ऐसा टूल किट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को देखने के लिए। जैसे करंट स्टेटस को देखने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि राउटिंग टेबल हो गया, होस्ट हो गया, या फिर यूटिलिटी, या फिर कॉमन सिचुएशन जहाँ पर सिंगल आईपी एड्रेस या फिर सिंगल गेटवे जहाँ पर है जिसको हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू या फिर कोई गेटवे के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप लोग रूट अगर कमांड अगर टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर सारा चीज़ आपको रूट आईपी रूटिंग टेबल आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको क्या क्या दिखता है इसके थ्रू, इस टूल के थ्रू आपको डेस्टिनेशन दिखेगा, कौन सी डेस्टिनेशन है, गेटवे दिखेगा आपको, यहाँ पर जेन मार्क्स दिखेगा, इसके बाद आपको फ्लैग दिखेगा, मैट्रिक्स दिखेगा, रिलीफ दिखेगा, यूज़ दिखेगा और फेज दिखेगा कि कितना इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक थैंक